जाना, पूरा जीवन कट जाएगा मेरा। मेरे घर तक आकर मुझे डराया धमकाया जाता है। क्या मैं कोई सहारा भी नहीं है, पापा नहीं है मेरे, हम चार बहन ही, बताइए क्या मेरी समस्या का कोई समाधान ही नहीं है। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका DPP न्यूज में, मैं हूँ आपके साथ छवि आर्या। जानते हैं इनसे क्या है इनका पूरा मामला। मैं मोनिका सिंह हूँ, मेरी समस्या यह है कि मैं 5 साल से अपने पिहर में रह रही हूँ, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं झालू पुलिस चौकी में गई थी, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, और यहाँ तक कि मैं जितनी भी जगह गई हूँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं हर जगह जाती हूँ लेकिन थक हार कर परेशान होकर घर बैठ जाती हूँ। मेरे साथ मारपीट करते हैं मेरे ससुराल वाले, और मुझसे क्या हमें मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, और क्या मैं मुझे धमकियां तक की देते हैं कि क्या मैं अगर कहीं भी कुछ करेगी तो हम तुझे जान से मार देंगे, और यहाँ तक कि मुझे फैसले में 50,000 देने की बात रखते हैं। और ये बताइए, आप ही बताइए कि क्या 50,000 में पूरा जीवन कट जाएगा मेरा। बेटा है मेरे पास 5 साल का, तो क्या वो 50,000 में पूरा जीवन उसका मैं काट सकूँगी। आप ही बताइए क्या मेरी समस्या का कोई समाधान ही नहीं है। कौन से गांव में आपकी शादी हुई थी? झालू में मेरी शादी हुई थी, मंदिर वाला मोहल्ला जी। पति का नाम? पति का नाम अरुण। क्या करते हैं वो? वो हलवाई गिरी का काम करते हैं, और टंकी प्लम्बर का ठेकेदार हैं, ठेके लेते हैं। ससुर मेरे सिंचाई विभाग में है, नौकरी पर है जी। तरह से आपको दबिश दी जा रही है आपके ससुराल वाले द्वारा? मेरे ससुराल वाले मुझे यहाँ तक की जान पर मारने की धमकी देता है, और मुझे इस तरह की दंडित देते हैं कि क्या मैं अपना फैसला वापस ले ले, और क्या मैं 50,000 में अपना किस्सा काट, और हर तरह से मुझे परेशान करते हैं, मुझे रोकते हैं, और यहाँ तक कि मेरे घर तक आकर मुझे डराया धमकाया जाता है। और मेरा क्या मैं कोई सहारा भी नहीं है, पापा नहीं है मेरे, हम चार बहने हैं, भाई छोटा है। क्या आपकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं की जाएगी? मुझे 5 साल हो गए हैं और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है, और यहाँ तक कि मैं थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। आप मेरे ससुराल वाले कहते हैं कहीं भी मर जा, और यहाँ तक कि वे रखने को भी तैयार नहीं है, ना ही फैसला काटते हैं, ना ही खर्चा दे रहे हैं। घर में भी कोई मतलब सहारा नहीं है, किराए पर हम रहते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा किस तरह महिला ने अपनी आपबीती सुनाई। आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा क्या यह सब कुछ इसके साथ सही हो रहा है या गलत। आखिर क्यों एक महिला को इस तरह से सताया जा रहा है? शादी के 5-6 साल बाद अब यह महिला अपने 5 साल के बच्चे को लेकर जाएगी तो कहां जाए? हमें वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्या इसको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना न भूलें। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप हेल्दी टेस्टी एंड वेजिटेरियन फूड खाने के शौकीन हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। माई चैनल नेम इज कुक विद स्मिता चिकारा। धन्यवाद।